सो नाउ वी विल डिस्कस कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं और जो कि हम यूज़ कर सकते हैं उन बच्चों के साथ जिनको PTSD की कंप्लेंट्स आ रही होती हैं या जिनके पेरेंट्स हमारे पास उनको लेकर आते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट असेसमेंट, तो उसके अंदर रेंज ऑफ टेस्ट हैं, लेकिन वी विल डिस्कस हियर द टू टेस्ट। नंबर वन इज़ द चाइल्ड PTSD सिम्टम स्केल, जो कि CPSS जो है उसको हम कहते हैं। देन द फियर सर्विस कैजुअल फॉर चिल्ड्रन रिवाइज, जिसको हम FSSCR कहते हैं। फियर सर्विस कैजुअल फॉर चिल्ड्रन हम क्यों यूज़ करते हैं? जिस तरह हम कहते हैं कि जो बच्चे PTSD को एक्सपीरियंस करते हैं, इट माइट पॉसिबल कि उनके अंदर बहुत से ऐसे फियर्स जो हैं वो डेवलप हो जाएं, जो कि जिनका कंटेंट माइट बी डिफरेंट हो उनके उस ट्रॉमेटिक इवेंट से जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है, तो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द CPSS के CPSS के अंदर किस किस्म के आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और जिनका जवाब जो है वो बच्चों ने देना होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप यहाँ पे बच्चे का नाम और आईडी, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि अपना आपके जो भी अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई क्लिनिक है वहाँ पर आपके केस के आईडीज चल रहे होते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। देन द डेट जो है वो आप लिख देते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आईडीज जो है वो कीप रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सम टाइम्स जब आप क्लाइंट को स्लिप देते हैं तो उसके ऊपर उसका आईडी लिखा हुआ होता है, तो जब नेक्स्ट टाइम वो आता है तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई द फाइल। तो इसके अंदर ऊपर अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि अगर बच्चे के साथ कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट जो है वो हुआ हुआ हो तो जो नीचे दिए गए सवालात हैं वो उस चीज़ से रिलेटेड है। सो इसमें उसको यहाँ पर स्पेस भी दी गई है कि वो उस इवेंट को रिपोर्ट कर सकता है, जो भी अपसेटिंग चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, जो उसके साथ उसको बार बार जहन में रिकॉल हो रहा है, और ये भी बता सकता है कि वो किस वक्त हुआ था। तो देयर इज़ अ सम पार्ट विच इज़ क्वालिटेटिव, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि एक्चुअली उस बच्चे के साथ हुआ क्या था। देन अगर आप नीचे वाले आइटम्स देखेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स है उसने वो 5 पॉइंट स्केल के ऊपर देना है, जिसमें 0 है इज़ नॉट एट ऑल, देन 1 है वंस अ वीक और लेस अ लेटर, और सेकेंड का मतलब है 2 to 3 times a week somewhat, then 3 का मतलब है 4 to 5 times a week a lot, and then 4 का मतलब है 6 or more times a week almost always। सो दिस इज समथिंग कि जिसके अंदर हमने ये देखना है कि बच्चे की जो सिम्टम्स हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पहला आइटम वो जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द अपसेटिंग थाट्स और पिक्चर जो कि उस बच्चे के दिमाग के अंदर बार बार आ रही होंगी और जो कि वो बेसिकली चाहता है कि उसके जेन में ना आए, जैसा हमने बात की थी इंट्रूसिव थाट्स की। ठीक है, तो इन इंट्रूसिव थाट्स हो गई, पिक्चर्स हो गई, इमेजेस हो गए जो कि उसके जेन में आते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे तो वो 4 के ऊपर उसको पॉइंट आउट करेगा, अगर कम आ रहे होंगे तो डेफिनेटली 2 पे करेगा। जहाँ पर भी उसको वो सिम्टम्स फील होंगे वो वहाँ पर उसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, देन फोर्थ है फीलिंग अपसेट व्हेन यू रिमेम्बर व्हाट हैपेंड। ठीक है, यानी वो उसके जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, जैसा वो स्केरी फील करेगा, एंग्री फील करेगा, गिल्टी फील करेगा। तो जितनी दफ़ा भी वो वीक के अंदर उसको फील करता है, फॉर एग्जाम्पल वो फीलिंग नहीं करता ऐसा, तो उसको 0 मार्क कर देगा। देन वो बात करता है कि हैविंग स्ट्रॉन्ग बैड फीलिंग्स लाइक फियर, एंगर, गिल्ट और शेम। ठीक है, और इस किस्म की अगर कोई बैड फीलिंग्स उसको आ रही हैं, अगर उसको ज़्यादा आ रही हैं तो वो 3 पे कर देगा, अगर उससे भी ज़्यादा आ रही हैं तो 4 पे कर देगा। तो दिस इज़ समथिंग कि वो यहाँ से देखेगा कि आइदर मुझे ये चीज़ वीक में 1 दफ़ा हो रही है, 2 से 3 दफ़ा हो रही है, 4 से 5 दफ़ा हो रही है, कितनी दफ़ा हो रही है, वहाँ पर वो उसको मार्क कर देगा। ठीक है, देन डूइंग थिंग्स दैट माइट हर्ट योर सेल्फ, यानी कुछ ऐसी चीज़ें भी बच्चे ऐसे इवेंट्स होने के बाद करते हैं जो कि उनको हर्ट कर सकती हैं, जिस तरह अल्कोहल ड्रिंक करना या ड्रग्स लेना शुरू कर देना, घर से भागना, अपने आप को कट लगा लेना। तो इस किस्म के जो बिहेवियर हैं समटाइम बच्चे ये भी मैनिफेस्ट करते हैं, एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है अगर वो एक मतलब वंस अ वीक करता है तो 1 पे कर देगा, अगर वो ज़्यादा दफ़ा करता है तो वो आगे कहीं रेट कर देगा। इसके बाद हैविंग ट्रबल फॉलिंग और स्टेइंग असलीप,
तो वो जिस जितने लेवल का उसको प्रॉब्लम है वो यहाँ पर इनमें से किसी एक के ऊपर मार्क कर देगा। अगर उसे नींद अच्छी आती होगी तो वो कह देगा नॉट एट ऑल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो नहीं सो पाता, हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा उसे रेस्टलेस स्लीप आती है, तो वो सेकंड के ऊपर मार्क कर देगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट हैव द प्रॉब्लम अबाउट बीन गेटिंग इन द वे ऑफ द पास्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इन द पास्ट मंथ। ठीक है, यानी एक मंथ जो पिछला गुजरा है उसके रेफरेंस में बच्चे ने इन चीज़ों का जवाब देना है येस और नो में। ठीक है, फन थिंग्स यू वॉन्ट टू डू, जैसा हम कहते हैं कि इनके अंदर पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर ट्रेस डाउन करने की कोशिश की गई है। डूइंग योर चोर्स यानी उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर वो कम हो गई है, उसका जो रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स हैं वो कम हो गई हैं, स्कूल में एकेडमिक लाइफ उसकी इफेक्ट हो रही है, उसकी रिलीजियस लाइफ इफेक्ट हो रही है, फैमिली के साथ उसका रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, और वो अपनी लाइफ के साथ हैप्पी है या नहीं है। तो ओवरऑल वो उसकी लाइफ के अंदर किस हद तक इम्पेयरमेंट आ रही है और किस किस एरिया में इम्पेयरमेंट आ रही है, आ रही है या नहीं आ रही, तो उस रेफरेंस में हम बच्चे से ये सवाल पूछेंगे जिसका जवाब उसने येस और नो के अंदर देना होगा। तो व्हेन यू विल गेट द रिस्पॉन्सेज ऑन दीज स्केल्स यू विल बी एबल टू फाइंड आउट के आइदर हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट टू डायग्नोज द चाइल्ड विद द PTSD।